दीपावली का छठवा दिन यानी छठ। इस दिन सूर्य देव की बहन छठ देवी की पूजा होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई सहित पूरे देश में ये महापर्व मनाया जाता है। अथर्ववेद में छठ व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मान्यता है कि सीता, कुंती और द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था। इस व्रत को महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। आसपास के नदी तालाब में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। जहां नदी या कोई पोखर यानी तालाब नहीं है, वहां लोग अपने घर के आगे ही साफ सफाई करके एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें साफ जल भरते हैं। फिर व्रत करने वाले उसमें खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। जीवन के लिए जल और सूर्य की किरणों की महत्ता को देखते हुए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले नहा धोकर अरबा, चावल, लौकी और चने की दाल बिना लहसुन प्याज के ग्रहण करते हैं और फिर अगले दिन बिना अन्न जल लिए रहते हैं। प्रसाद में गुड़ की खीर, ठेकुआ और कसार तैयार किया जाता है। जिनके घर में छठ व्रत नहीं होता, उन्हें भी इस अवसर पर प्रसाद दिया जाता है। इसके अगले दिन व्रती नदी तालाब में साफ जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर शाम को 5 या 7 ईद के बीच नए कपड़े चंदवा से बांधकर उसके नीचे कोसी सजाया जाता है और इसके नीचे दीप जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है और हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इस अवसर पर घर के सभी सदस्य छठ घाट पर साफ सफाई करते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।